ladies and gentlemen. Naya Daur, Tabla Tor, the grand finale! आज इस मंच पर लिखा जाने वाला है कॉमेडी के नए दौर का एक और महाअध्याय. आज है कॉमेडी सर्कस का 15वां ग्रैंड फिनाले. आज चुना जाएगा इंडियन कॉमेडी के नए दौर के विजेता को और विजेता को मिलेगा ट्रॉफी के संग सुहेल खान प्रोडक्शंस की फिल्म में एक रोल. आज क्रिसमस ईव पर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड ठहाकों के तोहफे और अगले हफ्ते 2012 की पहली शाम होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी हंसी के नाम. नए साल की पहली शाम हम आपको बिठाएंगे लाफ्टर के रोलर कोस्टर पर, वो भी पूरे 3 घंटे. और अभी हम करेंगे उन सबसे खास हस्तियों का वेलकम. जीत और हार है जिनकी मुट्ठी में, जो बैठे हैं कॉमेडी की सबसे ऊंची कुर्सी पे. कॉमेडी सर्कस के हुक्मरान, प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह एंड सुहेल खान. और अब आएंगे वो जो आज पूरे इंडिया में कॉमेडी का दूसरा नाम बन चुके हैं, नए दौर के हास्य स्तंभ, कॉमेडी के सबसे बड़े प्लेयर्स. प्लीज वेलकम आवर फैंटास्टिक फोर फाइनलिस्ट. हमारी चारों फाइनलिस्ट जोड़ियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इतनी धमाकेदार एंट्रीज के बाद अब आप लोग तैयार भी हो जाइए अपने धमाकेदार एक्ट्स के लिए. एंड ऑडियंस, गेट रेडी जंग जश्न और जलवे के लिए. बेस्ट ऑफ लक टीम. ग्रैंड फिनाले की शानदार शुभारंभ के लिए प्लीज वेलकम सुहेल के लाडले राजीव ठाकुर विद कॉमेडी के सुरों की सुगंध बिखेरती सुगंधा. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. ये धुआं आपकी बीड़ी का था अर्चना जी, जो आपने मेरे एलिमिनेट होने की खुशी में पी थी. अच्छा. हाय. देखो मैं आज कबाल बना हूँ, गंदा गाऊंगा. जरूर. तो भी आज एलिमिनेट आपने होना. तो आज है फिनाले और हम हैं यहाँ के निकाले. क्यों निकाला? क्या बुरा किया था मैंने सिवाय एक्टों के? और सोहेल भाई, आपको तो एक्ट भी बुरे नहीं लगते थे. हाँ. क्योंकि सोए हुए आदमी को क्या पता क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा हो रहा. एक बात तो फाइनल है कि कोई भी फिनाले ठाकुर के बिना नहीं होता है. बिल्कुल. अब देखिए, सिंगिंग शो रॉक स्टार, वहां पे कपिल था, फिर भी फिनाले में ठाकुर को बुलाया गया हंसाने के लिए. और ये कॉमेडी शो है, यहाँ ठाकुर को बुलाया गया गाने के लिए. तो पहली बार सही माइक यूज कर रहा हूँ. आवाज इसमें उम्मीद करता हूँ आज भी गलती आएगी. मैं तो इतना खुश हूँ इन चारों के लिए, जोड़ियों के लिए इतना खुश हूँ कि आज मेरी, तू भाई कृष्णा, तू हंसले नकली, तेरा दूर से पता चल जाता है. श्वेता, फाइनली तुझे भी हंसने की एक्टिंग करनी आ गई. तो मेरे पार्टनर ने तो इतने अच्छे अच्छे हंसने वाले गाने याद किए हैं ना, कि वो आप सबकी खुशी में शामिल होना चाहती है. गा बे. इतनी बार मैं एलिमिनेट हुआ हूँ यहाँ पर, इतनी बार, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं हुआ. अबे खुशी का गाना गाना था यहाँ पे, खुशी का. मैं यहाँ पे कॉमेडी कर रहा हूँ, तू कुछ करेगी? बिल्कुल करूंगी. हाँ. अर्ज किया है. कपिल मेरा भाई है, तो आज इसको मैंने बाहर ही पैसे दे दिए थे हंसने के लिए. हाँ. अर्ज किया है. बेटा जितनी तू सुंदर है, तेरे घर में 6 बहनें हैं, तू ऑर्डर कर. तू अर्ज क्यों कर रही है? ट्रॉफी से मुलाकात किसको चाहिए जब आपको इस सब की स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई है? पैसे संभाल लूं, इतने पैसे तो कॉमेडी सर्कस से नहीं मिलते आज, इतने आर्टिस्टों ने दे दिए मुझे.
और इतनी तारीफ शायद आपको पूरे सीजन में नहीं मिली होगी जो आज मिलने वाली है. क्यों सुहेल? It was fabulous to have you back, ठाकुर. And ये फिनाले आपके बगैर नहीं होता. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. और सुगंधा, आपकी तरह मैंने इतनी मल्टी टैलेंटेड लड़की नहीं देखी आज तक. अर्चना, आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? इस फिनाले में नहीं, लेकिन आगे बहुत सारे फिनाले हैं. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आपके लिए तो बहुत 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 फिनाले होंगे. राजीव, एक हमारा स्क्रीन प्ले को मेंटेन रखने के लिए. सालों ने अभी तक कील नहीं निकाली इसकी, इनके नाम पे ठोको ताली. वैसे एक बात कहूं सोहेल जी, आप में और मेरे में कुछ खास फर्क नहीं है. आपका बड़ा भाई बदमाशी करता है, मेरा छोटे वाला करता है. अब मेरा छोटा रहा पता नहीं किधर गया. ओ छोटे, बंद करो मैं किसी बड़े वाला. सबसे पहले माँ बहन, माँ बहन भाजी 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 पैर बहना दफा हो जा. जब पप्पी लेने जाता तब तो तेरे को भाई की याद आती ना. पैर ही बना भाई. सच्ची मैं बोलूं, जब मैं पप्पी ले रहा था ना, मुझे आपकी बड़ी याद आई. सच्ची? हाँ जी भाई. जब मैं पप्पी ले रहा था मैं थोड़ा डर गया. मैं क्या, अगर फंस गए तो भाजी बचा लेंगे. ये ना याद आपको, जोर दो तालियां भाजी के लिए. हेलो, हाँ जी, मैं डिंग चुका. हाँ जी भाजी, प्रीतम प्रीतम. बहुत सोना फोन किया आपने. हाँ यार, मैं सुबह से तुम्हारे काम पे लगा हूँ. नहीं यकीन तो मेरे सपोर्ट बॉय से पूछ ले. सुबह से क्लाइंट के घर में बैठा हूँ. तेरे लिए एक सी फ्रेस फ्लैट देखा मैंने. एडवांस दे के भी बेचोगे 7 लाख रुपया छोड़ जाएगा. भाई क्या बात है, सब्जी वाला थोड़ी. म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक. हाँ यार, सुबह से तेरे गाने की धुन बना रहा हूँ. नहीं यकीन तो मेरे स्पॉट बॉय से पूछ ले. सुबह से स्टूडियो में बैठा रियाज कर रहा हूँ. क्या कहा, धुन बनाने की जरूरत नहीं है? अच्छा, जिसका ओरिजिनल था वो आ गया. तो यार मेरे को ऐसे गाने क्यों देता है? चल फोन रख अब. भाई 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 भाई, क्या बात है, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, मेरे को कह रहा था तेरे से फिल्म में गाना गवाना. जो लो तालियां भैया, भाजी के लिए गाना गा रहे हैं. एक बात बता छोटे, शो में क्या कर रहा है? भाई आप तो जानते हैं, जिसने भी शो हिट कराना होता है वो मीके को बुला लेते हैं. मेरे को बुलाया. तो मुझे क्या, तबला बजाने के लिए बुलाया? मुझे भी शो को हिट कराने के लिए बुलाया. भाई क्या बात कर रहे हो? ओ हेलो, ये क्या हो रहा? भाई अगर आपको बुलाना होता तो फिर आपको यहाँ से निकाला क्यों? वो तो मैं पिछले सीजन में कुछ दिए कुछ ज़्यादा जला दिए थे. विपुल शाह मेरे दिए जलाने से इतना खुश हो गया, उसने सारे सेट की लाइटिंग मुझे दे दी. अब ऑप्टिमिस्टिक और सोनी का जितने भी शो होते हैं सब में मैं लाइटिंग करता हूँ. कमाल कर रहे हैं भाई. मुर्गे अलग से मिलते खाने को. बहुत अच्छे भाई, मज़ा आ गया. अब सचमुच का पैर हाथ लगाता हूँ. जिंदे रहो. बहुत सोना रब रखा. जब मैं इस शो में जज था तो आप लोगों ने 22 एपिसोड बनाए. अब सोहेल को रखा तो आपने 44 बनाए. मेरा 22 का नुकसान क्यों किया? मेरे को 22 एपिसोड की पेमेंट चाहिए. भाई भाई एपिसोड के पैसे लेके जाऊंगा. रब रखा जी. भाई गुस्सा ना दिखाओ, नहीं तो 22 एपिसोड के पैसे भी मर जाने. नहीं दो जो खाना फिर खा लो. हेलो हेलो जी भाई, फोन प्रीतम. हेलो. ओ नहीं यार, 3 BHK मैं रखता नहीं हूँ. 3 BHK लेता कौन है आजकल? तुम ऐसा करो मीका से मिल लो. 3 BHK आप ऐसा करो, 1 BHK के 3 ले दूँ. रोशनी, आज जब क्रिसमस ईव पर कॉमेडी सर्कस ने सबके जबड़ों का जिंगल बेल कर दिया है, तो न्यू ईयर पार्टी पे तो तुम लोग ब्लास्ट कर दोगे भाई. हाँ बिल्कुल. 1 January को तो लगातार 3 घंटे होगी हमारी लाफ्टर पार्टी इन कॉमेडी सर्कस वेलकम्स 2012. होगा इतना धमाल कि सबको याद रहेगा पूरा साल. और अभी तो ग्रैंड फिनाले की धूम भी खत्म नहीं हुई है. फिनाले तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. ग्रैंड फिनाले का फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा कल. क्रिसमस में होगा लाफ्टर का सबसे बड़ा कार्निवल. तो हंसी के महा उत्सव के लिए, कॉमेडी के महा विजेता से मिलने के लिए, बी विद अस ओनली ऑन कोहिनूर द ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर. तबला तोड़ द ग्रैंड फिनाले. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल.
Click the show links and enjoy watching the videos.